तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में, इमेजिन करो कि आपके पास के प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, प्लस और माइनस क्यू चार्जेस हैं, तो प्लस क्यू माइनस क्यू का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है बॉडी में जब अगेंस्ट नेचर काम हो। अब अगेंस्ट नेचर कैसे काम हो रहा है ध्यान से देखो, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और आपस में चिपके पड़े थे, इसको फिक्स कर दो, इस माइनस वाली प्लेट को आपको हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहती है प्लस माइनस को अट्रैक्ट करे, लेकिन आप चाहते हो कि ये दूर हो जाएं, तो इसके लिए आपको माइनस क्यू प्लेट को खींचना पड़ेगा अपनी तरफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अब आपने पिछले टॉपिक में क्या सीखा कि ये प्लस प्लेट माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आपको फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये प्लेट राइट की तरफ आ जाए। तो कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, और अगर आप दोनों प्लेट्स को डी डिस्टेंस अपार्ट करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करेंगे ये स्टोर हो जाएगा इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप अपनी फोर्स छोड़ दें तो देखो ये फिर से चिपक जाएंगे और नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन फिर से जीरो हो जाएगा। तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने राइट फोर्स लगाई एफ और राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डी, एफ इंटू डी, फोर्स की वैल्यू आपको पता है इंटू डी, तो यहां से ये वैल्यू आ गई, डी को इसके नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में तो डी नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या होता है सी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है। ये पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला रजिस्टर में भी एंटर करवाऊंगा, रुको। कई लोग ऐसा नहीं करते, कई लोग मेथड टू फॉलो करते हैं, आपकी मर्जी, अगर डेरिवेशन आ जाए मेथड वन मेथड टू कोई भी लगा देना। मेथड टू में क्योंकि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन करना पड़ रहा है इन ट्रांसफरिंग इन प्रोड्यूसिंग अ चार्ज ऑफ डी क्यू, डी क्यू चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है तभी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि Q क्या होता है CV, V क्या होता है Q by C, इस V को उठा के यहाँ पुट कर दें और इसको इंटीग्रेट करें कि कैपेसिटर पे Q चार्ज स्टोर करने के लिए W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो W की वैल्यू क्या आएगी, हाफ Q स्क्वायर बाय C आफ्टर इंटीग्रेशन। मेथड वन पसंद है उससे कर देना, टू पसंद है उससे कर देना, आपकी मर्जी है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या आया, हाफ Q स्क्वायर बाय C, लेकिन Q क्या होता है CV, तो यहां से हम पुट कर सकते हैं Q की जगह CV इस फॉर्मूले में, तो C से C कैंसिल, एक और फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। तो हमारा एनर्जी का ये फॉर्मूला आया, Q को ऊपर पुट कर दो CV तो ये वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्म में कोई फर्क नहीं है एनर्जी स्टोर्ड का न्यूमेरिकल में, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ CV स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी है, पर हम सी को लिख सकते हैं क्यू बाई वी और सी की जगह पुट कर देते हैं क्यू बाई वी, सॉल्व करके एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिला के एनर्जी के तीन फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल में तीनों में से कोई भी अप्लाई कर लें, पहला फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, दूसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला हाफ क्यू वी, तीनों के तीनों फॉर्मूलाज फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये तीनों फॉर्मूलाज को एंटर करें पहले फॉर्मूला रजिस्टर में, ठीक है यहां तक। यहाँ तक
तो एनर्जी स्टोर का कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और आएगा पक्का पेपर में, कहीं ना कहीं आपको टकरेगा ही टकरेगा, देख लेना इसके ऊपर, वो क्या क्वेश्चन में ये पूछेगा। सपोज करो कि आपके पास एक कैपेसिटर है सी और एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया वी, बैटरी का वी इसका वी एक ही बराबर है क्योंकि एक ही कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। क्वेश्चन है कैपेसिटर चार्ज हो गया तो बताओ बैटरी ने कितना वर्क डन किया इसको चार्ज करने के लिए। ठीक, ए ऑप्शन वो देगा हाफ इंटू हाफ इंटू क्यू इंटू वी, है ना, क्योंकि हाफ इंटू क्यू इंटू वी। दूसरा ऑप्शन देगा क्यू इंटू वी। तीसरा ऑप्शन देगा हाफ क्यू वी स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन देगा हाफ क्यू स्क्वायर वी। तो चारों में से क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है बैटरी ने कितनी एनर्जी स्पेंड की इसको चार्ज करने के लिए, और एक और चीज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या करवाया था, हाफ वन बाई टू इंटू, मान लो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया क्यू, वन बाई टू इंटू क्यू इंटू वी, यही फॉर्मूला चेक करना, यही फॉर्मूला आखिरी फॉर्मूला यही है हाफ क्यू वी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आपको पता है हाफ क्यू वी, तो बैटरी ने कितना काम किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ए ऑप्शन, क्योंकि जो बैटरी की एनर्जी है, क्योंकि चार्ज किसने किया, बैटरी ने चार्जेस को घुमाया, तो वर्क डन कौन करेगा, बैटरी करेगी, बैटरी जो काम करेगी वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसमें कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर से पूछ लो तेरे पास कितनी एनर्जी, तो कैपेसिटर क्या बोलता है, मेरे पास तो हाफ क्यू भी एनर्जी, तो ये एनर्जी कहां से आई होगी, बैटरी से, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, हाफ क्यू भी करते गलत हो जाएगा, और कोई लॉजिक में गलती नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो जो सोच रहे हो, और फिर भी गलत होगा और क्वेश्चन यही आएगा क्योंकि आधी जनता तो यही करके आएगी, है कि नहीं कमाल। अब दूसरा लॉजिक, बैटरी ने चार्ज यहां से यहां घुमाया, बैटरी का खुद का पोटेंशियल क्या भी, तो बैटरी कितना वर्क डन करेगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो बैटरी ने कितना काम किया क्यूवी, बैटरी कहती है मैंने तो क्यूवी काम कर दिया, कैपेसिटर कहता है यार मेरे को तो एनर्जी हाफ क्यूवी मिली, तो फिर आधी कहां गई, हीट लॉस हो गया, सही बोल रहे। आगे सुनो, अब देखो इसमें ना लॉसेस कई तरीके के होते हैं, अब ये बड़ी अजीब लगेगी आपको बात सुन के कि चार्ज यहां से जाके यहां आएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन फटाफट घूम के यहां पे आएंगे, अब क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये इमीडिएटली ऐसा होने वाला होगा कि फटाफट चार्ज आ गया, डिले तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन क्या अभी पता नहीं कितने माइक्रो और मिली सेकेंड के अंदर ऐसा हो गया, एकदम जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में गया वो एकदम ब्रेक मारेगा, काइनेटिक एनर्जी बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर आती है हीट, हीट हो सकता है, प्लस आप इनर्शिया खराब कर रहे हो, अच्छे भले न्यूट्रल प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तुम लोग यहाँ बैठे हो न्यूट्रल, आराम कर रहे हो, आराम से लेक्चर सुन रहे हो, मैंने कहा चलो एक काम करो मैं बैटरी हूँ तो भाई काम करो भाई, सारे उठ के इधर से इधर आ जाओ, तुम सारे उठ के इधर से उधर आ जाओ, क्यों भाई, अच्छे भले बैठे हैं, जरूरत क्या पड़ी है, मैं तुम्हारा एनर्जी ऑफ रेस्ट खराब कर रहा हूँ, और आप मुझे अपोज कर सकते हो क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपोजिशन शो करेगी, तो कहीं ना कहीं तो मेरी एनर्जी खराब होगी आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ उठाने में, और प्लस तुम उठोगे काइनेटिक एनर्जी खराब करोगे और रुकोगे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस तो है, और ये एनर्जी लॉस 50% के आसपास है इन चार्जिंग का कैपेसिटर, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आ गया तो हाफ क्यू वी, बैटरी ने कितना काम किया क्यू वी, फिर वो पूछेगा लॉस इन एनर्जी कितना हुआ पूरे प्रोसेस में, तो हाफ क्यू वी, आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी, है कि नहीं ट्रिकी क्वेश्चन, ये ना पढ़ रखा हो तो पक्का हाफ क्यू वी के साथ गलती होगी इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक।